बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद असलम, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज का हमारा लेक्चर, इवन के हमने बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट की हुई है, तो ये स्टार्टिंग है बेसिक लैंग्वेज के हवाले से, जिसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिए उसमें भी हमने कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स को डिस्कस किया था बेसिक लैंग्वेज के हवाले से, और अब हम जो है चैप्टर टू को स्टार्ट हमने किया हुआ है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम है। अगर अदर लैंग्वेजेस के अंदर जाएं तो उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक यानी अदर लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का नहीं होता जिस तरह का आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं कि आपने कौन सी लाइन नंबर से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, कौन से कॉलम से कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है, कितनी उसमें स्पेसेस अलाउड है या नहीं है, यानी उसके मुख्तलिफ किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हर प्रोग्राम का स्टार्ट होता है, प्रोग्राम का एंड होता है, ये इस तरह का ना स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सेकंड ईयर में जाकर सी लैंग्वेज पढ़ेंगे या अदर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर है आपको नजर आ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली बुक में आपके सिलेबस के मुताबिक जो स्ट्रक्चर होता प्रोग्राम है, असल में ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रोग्राम को लिखने के, ये रूल्स हैं। तो हम इन रूल्स को जब स्टडी करेंगे तो इसमें हमारे काफी सारे एमसीक्यूज जो है हमें हल करने में मदद मिलेगी। तो पहला रूल हम देखते हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक लैंग्वेज के अंडर ही आता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने यही सवाल आपने ऐड करना है। अब ये क्वेश्चन अगर फर्ज करें कि पार्ट वाइज आए तो 4 मार्क्स का ये आ सकता है, अदरवाइज ये किसी डेफिनेशन के साथ भी आ सकता है के व्हाट इज अ वेरिएबल, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, तो इस तरह से ये लॉन्ग बन सकता है, अदरवाइज ये शॉर्ट है। और ज्यादातर इसमें से एमसीक्यूज आते हैं तो इसको ये इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। तो इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम स्टडी करेंगे जिनको फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम में हमारे एरर्स कम आएंगे। तो नंबर वन इज व्हेन यू राइट द प्रोग्राम, मैंने आपको कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल भी करवाए और उनको एडिट करके भी दिखाया, उनको रन करके भी दिखाया, और आपका मैंने जहन बनाने की कोशिश की कि आप अपने घर में भी बैठ के बुक को फॉलो करते हुए, टॉपिक को फॉलो करते हुए, आप नए नए प्रोग्राम जो बुक में है और आपके सिलेबस में है उसके वो टाइप करके चला के देख सकते हैं। अब यहाँ पहला जो इसका रूल है या इसके स्ट्रक्चर में यह है कि एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर, ये एक रूल है कि इन डायरेक्ट मोड। अब ये डायरेक्ट मोड के हवाले से हम ये स्टडी कर चुके हैं कि देयर आर टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन बेसिक लैंग्वेज। नंबर वन इज द डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड के अंदर हम लाइन नंबर के बगैर ही कमांड लिख के एंटर प्रेस करें तो फौरी तौर पर आउटपुट आ जाता है। और जो इन डायरेक्ट मोड है उसमें हम विदाउट लाइन, हम लाइन नंबर के साथ लिखें। जब प्रोग्राम लाइन नंबर के साथ लिखा जाता है तो हम F2 प्रेस करके प्रोग्राम को चला सकते हैं। हर स्टेटमेंट आफ्टर प्रेसिंग द एंटर एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये हम अब बात में ये करना चाह रहा हूं कि अक्सर औकात 99% या 100% हम इनडायरेक्ट मोड में ही काम करते हैं। डायरेक्ट मोड में हम उस वक्त जाते हैं जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर्स हो और हम हमारी कमांड कोई सही आउटपुट ना दे रही हो, तो देन हम डायरेक्ट मोड में एक आधी कमांड चेक करने के लिए चला के देख लेते हैं, अदरवाइज हम इनडायरेक्ट मोड में काम करते हैं। और आपको पता है कि इनडायरेक्ट मोड में एवरी स्टेटमेंट इज रिटन प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर, यानी कि लाइन नंबर के साथ लिखते हैं। तो ये पहला रूल यही हुआ कि एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे स्टेटमेंट स्टार्ट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर, यानी आपने लाइन नंबर के साथ, अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रोग्राम शो किया, दिखाया आपको कि उसके अंदर मैंने हर प्रोग्राम की लाइन लिखी, पहले 10 CLS, फिर 20 पे प्रिंट, 7 8 6 / 3, ये आप जानते हैं। नंबर नेक्स्ट वन इज इट इज गुड प्रैक्टिस टू एंड द प्रोग्राम विद द एंड स्टेटमेंट। आप देख रहे हैं एंड स्टेटमेंट अंडरलाइन में कर देता हूं कि जब प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें अदर लैंग्वेज के अंदर तो स्टार्ट लिखना पड़ता है या बिगिन लिखना पड़ता है, लेकिन बेसिक लैंग्वेज के अंदर हमें स्टार्ट नहीं लिखना पड़ता, ना बिगिन लिखना पड़ता है, ना कोई ब्रेस स्टार्ट करनी पड़ती है, बस हम 10 CLS से प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन
जो जब आप प्रोग्राम को लिखते लिखते आप समझते हैं कि प्रोग्राम मजीद स्टेटमेंट नहीं लिखनी, तो लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम में यू मस्ट राइट और टाइप द एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट मीन्स के ये इंटरप्रेटर के लिए, जो इंटरप्रेटर इसमें काम कर रहा है, आप ये पहले इंटरप्रेटर यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप स्टडी कर चुके हैं पहले, कि ये तर्जमा करने वाला प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश आई स्टेटमेंट को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की बेसिक और नेटिव लैंग्वेज है जिसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो एंड लिखने का मतलब ये है कि कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि देर इज नो स्टेटमेंट अंडर द एंड स्टेटमेंट, यानी एंड स्टेटमेंट के आगे आप पढ़ने ना जाएं और अपना कंट्रोल वापस गेट बैक करें ताकि हम मजीद आगे वाली कोई कमांड लिख सकें। बट एक और बात ये इसमें में रखिएगा, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज थोड़ी आसान बनाई गई है, तो द एंड स्टेटमेंट इज अ मैंडेटरी, आपकी मर्जी है प्रोग्राम के एंड के ऊपर एंड लगाएं तब भी प्रोग्राम चल जाएगा, ये कंफ्यूजन दूर कर लें। ये बात पहले मैंने आपको लैब में भी समझाई थी के प्रोग्राम के एंड में और जो बुक्स में प्रोग्राम दिए हुए, जो प्रैक्टिकल पे प्रोग्राम दिए हुए, किसी के साथ एंड लगा हुआ है किसी के नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि द एंड स्टेटमेंट इज मैंडेटरी, मीन लगा दें तब भी प्रोग्राम चलेगा, अगर आप ना लगेंगे तब भी प्रोग्राम चल जाएगा। चलते हैं नंबर नेक्स्ट की तरफ। नंबर नेक्स्ट में रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर इज नॉट अलाउड, यानी एक लाइन नंबर 20 के ऊपर आपने एक कमांड लिखी है तो दोबारा 20वीं लाइन के ऊपर आप दूसरी कमांड नहीं लिख सकते, यानी रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर इज नॉट अलाउड। ठीक, आगे नेक्स्ट चलते हैं। टू और मोर स्टेटमेंट, इवन के एक लाइन के एक ही कमांड लिखी जाती है, लेकिन यू कैन राइट मोर देन वन स्टेटमेंट ऑन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय अ कॉलन, यू नो दिस बिफोर। आप एक लाइन पर एक कमांड लिखें, रेशो साइन लगाएं, फिर दूसरी कमांड, फिर कॉलन, मीन मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन अ सिंगल लाइन बट सेपरेटेड बाय अ कॉलन, ये रेशो साइन जिसको आप कहते हैं। नंबर थर्ड, नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। अदर लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट है, उसमें जो जो वेरिएबल हम पहले डिक्लेयर करेंगे, जिनको हमने कैलकुलेशन में यूज करना है, पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी मेमोरी क्रिएट होगी, देन आप उसको अपने किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक की सहूलत है कि आप वेरिएबल को वैसे नीचे लिख के प्लस माइनस कर सकते हैं विदाउट डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग। नंबर नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज लाइन नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू 65,529, ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है। आप पहली कमांड 0 पे लिख सकते हैं, दूसरी 1 पे, तीसरी 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, लेकिन हम 10-10 का फर्क इसलिए रखते हैं कि बाद में अगर हमें प्रोग्राम का पता चले कि ये ज्यादा कोई स्टेटमेंट कहीं एडजस्ट करनी है तो यू कैन एडजस्ट विद इन दिस। तो ये एमसीक्यू याद रखिएगा कि प्रोग्राम मैक्सिमम 65,529 से ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते इन लाइन नंबर पे। द लास्ट वन इज स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन वेरिएबल, मिसाल के तौर पर लिखा रोल नंबर और ये नंबर, तो दिस वन इज अ स्पेस, दिस वन इज नॉट अलाउड इन बेसिक लैंग्वेज। मुझे उम्मीद है आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर एम्बिग्विटी अगर आप फील करें तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।